work done against friction. तो इसमें क्या है, सबसे पहले लेट अस फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. तो हमने काम करना है, मीन्स बॉडी के ऊपर हमने बल लगाना है. बल लगाने के पश्चात क्या है, बॉडी क्या होती है, गति में आ जाती है. लेकिन हमने जो बल लगाना है वो किसके विपरीत लगा रहे हैं, वो बल हम लगाने जा रहे हैं घर्षण बल के विपरीत. मीन्स हमने जो काम करना है वर्क डन वो किसके विपरीत करना है, घर्षण बल के विपरीत हमने वो काम करना है. आगे लेट अस फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग टू केसेस. तो हमारे पास जब हम घर्षण बल के विपरीत काम करना चाहते हैं तो हमारे पास टू केसेस बनते हैं. पहला केस कौन सा है, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस. यहां पर एक बॉडी पड़ी हुई है इसकी सतह पर, जिसका मास कितना है, कैपिटल एम हमने मान लिया. तो वेट कितना होगा स्टूडेंट्स, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी. ये नीचे को एक्ट करता है वेट. नाउ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब ये जो बॉडी है जिसका मास m है, ये एक्शन करती है सतह पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर. तो हॉरिजॉन्टल सरफेस उतना ही क्या करता है, विपरीत दिशा में बल लगाता है, दैट इज रिएक्शन. अब हमने मान लेते हैं कितना बल लगाते हैं बॉडी के ऊपर, दैट इज पी. बॉडी क्या है, गति में आ जाती है, मोशन में है. अब गति में है हमारी बॉडी, तो मान लेते हैं इसने कितनी दूरी तय की है, दैट इज एस. अब जब बॉडी गति में होती है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण बल वो उत्पन्न हो जाता है. उसकी दिशा क्या है, विपरीत है. इस दिशा में बल लगाया है पी, तो जो गतिज घर्षण बल है वो विपरीत दिशा में लग रहा है. तो स्टूडेंट जब मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन का आर्टिकल एक्सप्लेन किया था, हमने ये सीखा था यदि बॉडी हम इस तरह से उस पर बल लगाते हैं, उसमें एक्सेलरेशन यदि नहीं प्रोड्यूस होती. एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यदि उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता, वेग स्थिर रहता है, तब हमने ये जाना था यदि हमने फोर्स एफ अप्लाई की है वो बल किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के. यहां पर कितना बल है, दैट इज पी, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज एफ. हमने इस
तरह से बॉडी के ऊपर बल को अप्लाई किया है, बल हम लगाते हैं, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। मींस ये जो बॉडी है वो एक स्थिर वेग के साथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करती है, गति में है। नाउ स्टूडेंट, गतिज घर्षण बल कितना होगा? गतिज घर्षण बल एफ इक्वल टू म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, नॉर्मल रिएक्शन ये कितनी होगी? बॉडी ने कितना बल लगाया है सतह पर, दैट इज अ मास इनटू ग्रेविटी। सतह कितना बल लगाती है विपरीत दिशा में जितना बॉडी ने लगाया था सतह पर, दैट इज एम जी, वो इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड। सो एफ गतिज घर्षण बल इक्वल टू म्यू के एम जी। नाउ स्टूडेंट्स, यदि हम बॉडी को मूव करते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन, मीन्स उसका वेग क्या है, स्थिर है, विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बॉडी इज मूविंग, तो स्टूडेंट जो बल होगा हमें चाहिए इसे मूव करने के लिए, उसका मूल्य किसके इक्वल होगा? वो होगा इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट मीन्स पी इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू के एम जी। दैट मीन्स कितना बल हम लगाएंगे बॉडी के ऊपर उसे मूव करने के लिए, गति में लाने के लिए, मीन्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ हम मूव करते हैं, कितना बल लग रहा है? P इक्वल टू म्यू के एम जी। अब हमने कितना वर्क डन किया, मान लेते हैं बॉडी अब कितनी दूरी तय कर चुकी है, दैट इज एस, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन, वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय जितना डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क डन पी। हमने बल लगा रहे हैं बॉडी को गति में लाने के लिए, बॉडी मूव करती है इस बल के साथ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, पी मल्टीप्लाई बाय एस। वर्क इक्वल टू पी कितना है, दैट इज म्यू के एम जी मल्टीप्लाई बाय एस। तो ये है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आइए इसका सेकंड केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, मैं सेकंड केस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन। तो जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर पड़ी होती है, हमने वर्क करना है इसके ऊपर किसके विपरीत, घर्षण बल के विपरीत। तो इसमें टू केसेस बनते हैं। एक तो केस होगा जब बॉडी को ऊपर की दिशा में हम ले जाते हैं,
दूसरा केस कौन सा होगा जब बॉडी नीचे को आती है। तो पहले मैं ये केस डिस्कस कर लेता हूँ जब बॉडी ऊपर को हम मूव करते हैं। When the block is moved up the inclined plane, ये रहा ब्लॉक जिसका मास कितना है m, तो वेट कितना होगा mg। अब ये तिरछा पड़ा हुआ है ब्लॉक, तो सतह के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन है, उसकी सतह के ऊपर ये कितना बल लगाता है एम जी कॉस थीटा, इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया है। इन द प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इसे हमने कैसे ब्रेक डाउन करना है एंड हाउ दिस एंगल बिकम्स थीटा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होता है थीटा, मैंने प्रूफ कर दिया था। यू कैन आल्सो वॉच दैट वीडियो। अब एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, ये जो बल था बॉडी का जो वेट था नीचे को आता था उसे हमने टू कंपोनेंट्स में बांट लिया है। टू कंपोनेंट्स में क्या है बांट लिया है। नाउ स्टूडेंट, जितना बल सतह के ऊपर लगता है बॉडी उतना ही विपरीत दिशा में बल मीन्स रिएक्शन लगाती है। हम बल लगाते हैं ऊपर की दिशा में बॉडी को मूव करने के लिए, घर्षण बल क्या है विपरीत दिशा में उत्पन्न हो रहा है। घर्षण बल कौन सा, गतिज घर्षण बल। तो गतिज घर्षण बल कितना होगा पहले तो हम ये देख लेते हैं। स्टूडेंट एफ इक्वल टू म्यू के कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन। अब रिएक्शन कितना है, जितना एक्शन होता है, एक्शन कितना है एम जी कॉस थीटा। सो गतिज घर्षण बल इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है म्यू के, एफ इक्वल टू म्यू के एम जी कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स लुक केयरफुली, हमने बल लगाना है बॉडी के ऊपर, इस तरह से लगा रहे हैं बल, देयर इज नो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या है रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब देखिए हमने बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाना है तो हमें कितना बल लगाना पड़ेगा। ये जो बल है एम जी साइन थीटा, ये क्या है अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है। हम चाहते हैं बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाना, तो जब बॉडी को हम ऊपर की तरफ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले जाते हैं, एक तो बल होगा जो वो होगा इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस, और हमें कितना बल लगाना पड़ता है, जितना ये बल इस दिशा में है एम जी साइन थीटा, इतना ही बल हमें ऊपर की तरफ लगाना पड़ता है। मींस अब जो नेट फोर्स होगी, जो कंप्लीट बल होगा पूरा बल ऊपर की तरफ, वो कितना होगा, बिकॉज ये कंपोनेंट है ये तो बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो नेट बल कितना होगा। नेट बल होगा पी इक्वल टू, एक तो जे है म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस, जितना बल नीचे को लग रहा था उतना ही बल हमें ऊपर की दिशा में लगाना पड़ेगा, मींस एम जी साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये बन जाता है एम जी को हमने कॉमन कर लिया, म्यू के
cos theta plus sin theta. अब वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट? वर्क डन इक्वल टू फोर्स, दूरी कितनी तय की है, दैट इज s. तो वर्क डन यहां पर लिख लेते हैं, वर्क डन इक्वल टू होगा p, दैट इज m g म्यू के cos theta plus sin theta मल्टीप्लाई बाय एस. ये रहा वर्क डन का फॉर्मूला जब हम बॉडी को ऊपर की दिशा में ले जाते हैं. आइए इसका सब केस कर लेते हैं. जब बॉडी नीचे को हम मूव करते हैं, गति में लाते हैं, तब हमारे पास वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट? सब केस When the block is moved down the inclined plane, अब ब्लॉक हम नीचे को ला रहे हैं, किधर को? Along inclined plane, motion नीचे की तरफ है, इस तरफ. तो पहले तो देख लेते हैं force of friction कितनी होगी. Force of friction F equal to म्यू के एम जी कॉस थीटा. एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? विपरीत दिशा में. ब्लॉक नीचे को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सतह के पैरेलल विपरीत दिशा में. नाउ स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा बल का, वो भी बॉडी को नीचे लाने का प्रयास करता है. एक तो हम बल लगा रहे हैं, इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दूसरा बल कौन सा है जो बॉडी को नीचे लाने के लिए हमारी मदद कर रहा है? दैट इज एम जी साइन थीटा. दैट मीन्स बॉडी को मूव करने के लिए नीचे को जितना बल आवश्यक था उससे हमें कम बल लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो बल का कंपोनेंट है वो बॉडी को नीचे आने में क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है. तो नेट फोर्स कितनी होगी? दैट इज पी इक्वल टू एफ माइनस जे बल का जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा. सो पी इक्वल टू एफ म्यू के एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा. एम जी को मैं कॉमन कर लेता हूँ, एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय एस. मीन्स वर्क डन इक्वल टू पी एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एस. तो ये रहा फार्मूला वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन when body lies on inclined plane and moves downward direction. So students, in the next video I will be explain briefly what is a rolling friction and cause of rolling friction, and some numerical I will be explain on this chapter. So student, page ko सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर कर देना. थैंक
थैंक यू सो मच।